subscribe to Shimaru Movies and hit the bell icon to never miss an update. जय हिंद सर। क्या हाल है यादव जी? जय हिंद सर। जय हिंद। प्लीज नवे कपड़े उतारो। और सर केस कैसा चल रहा है? 8 दिन की कस्टडी का आदेश हुआ है। सर आर दे रियली क्रिमिनल्स? अधिकतर तो यहाँ बेगुनाह ही आते हैं, यहाँ आके क्रिमिनल बन जाते हैं। रही बात इन लड़कों की, तो इन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सर फिक्र मत कीजिए, डोंट वरी। कबड्डी 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 कबड्डी
तो पहले कही थी ना, संकट में भगवान की दिया बत्ती क्या करो, वरना भगवान बत्ती दिया करते हैं। याद रखना, पूरे स्कूल ने मिलकर मारा था। फिर बदला भी पूरे स्कूल से लेंगे, और वो भी ऐसा ना कि पूरा नक्शा ही बदल दे। हाँ तो ठीक है, वहां लंका हनुमान जी ने चलाई थी, यहाँ लंका सलमान लगाएगा। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। दुर्गा छाप और मुर्गा छाप पटाके ये बने अबे नीति कहती है भाग लो लल्ला। अबे भागो नहीं, जियो लल्ला। बड़ा कमी से करो। चांद का चिंगम चलो फुग्गे उड़ाते हैं, लगा के तारों में तड़का चलो मैगी बनाते हैं। बना के चांद का चिंगम चलो फुग्गे उड़ाते हैं, लगा के तारों में तड़का चलो मैगी बनाते हैं। है हिम्मत शेर सी अपनी के जब हुंकार भरते हैं, हुआ 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 हुआ। है हिम्मत शेर सी अपनी के जब हुंकार भरते हैं, चलते सूरज के गोले को फ्रूट सा हम निकलते हैं। हो कोई गाँव या नगर, गली या कोई मोहल्ला, हो अपने नाम का चर्चा। मिले जो यारों के कंधे चलो मंगल पे चढ़ जाए। छुआए छपे फोटो अखबारों में कि फेमस कितने हो
अपने जलवे दिख जाए। हो कोई गांव या नुक्कड़, गली या कोई मोहल्ला, हो अपने नाम का चर्चा, हो अपने नाम का हल्ला। जियो लल्ला। सुपरमैन की हवा को चीर निकल जाए। ओ पूछ में आग लगा के हम तेरी रंग का लगा जाए। गरीबी हो फकीरी हो मान आंखों में रखते हैं, उखाड़ेगा कोई कैसे चले मजबूत रखते हैं। हो कोई गांव या नगर, गली या कोई मोहल्ला, किसी की शिकायत नहीं आनी चाहिए। प्रणाम बाबूजी। अरे मेजर साहब कैसे हैं आप? बस अच्छे। अरे ये मेरी बेटी पूजा। खुश रहो। ये राहुल। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। ये मेजर सतीश मेरे बेटे के साथ कारगिल में लड़े थे। कृष शर्मा कैसे हैं आप? मैं अब्बास। मैं श्रीकांत त्यागी हूँ जी। अरे वाह। बनवारी लाल। क्या बात। दादाजी वेयर्स द ग्रूम? आई जस्ट वांट टू मीट हिम। ग्रूम? दूल्हा। दूल्हा। ओ दूल्हा। दूल्हा बेटा वो जो नीली शेरवानी में है ना, वो है दूल्हा। दादाजी मैं मिलके आती हूँ। जाओ बेटा। पापा मैं मिलके आती हूँ। बेटे तुम मिलके आओ, जाओ। भाई साहब एक बात बताता हूँ आपको। हाँ हाँ। पहले हम लोग लंगोटिया यार थे। अच्छा? अब हमारे बच्चे लंगोटिया यार हैं। हाय ब्रदर। हेलो। आई एम पूजा एंड ऑन बिहाफ ऑफ माय एंटायर फैमिली आई हार्टली कांग्रेचुलेट यू ऑन योर एंगेजमेंट। ओह थैंक्स डियर। बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे शहर के सबसे बड़े स्कूल अरावली इंटरनेशनल में पढ़ते हैं। अरे वाह। फीस थोड़ी ज्यादा है पर वहाँ का अनुशासन और माहौल बहुत अच्छा है। वहाँ से निकलेंगे तो कुछ बनके ही निकलेंगे। जरूर जरूर जरूर। थैंक यू। चलो आओ चाय पानी पी लो। आइए। रुद्र भैया, अरे दादाजी बुला रहे हैं। एक्सक्यूज मी, आई एम जस्ट कमिंग। इवन यू कम विद मी। व्हाट? देखो वहाँ खड़े हैं, बहुत देर से पूछ रहे हैं। हाँ, कह रहे हैं कहाँ हैं। सी हाउ शी स्पीक्स। आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। मतलब मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। अच्छा। तो मुझसे बात कर लो। क्यों? मैं तुमसे बात क्यों करूँ? ऐसे मैं ऐसे ही किसी से भी बात नहीं करती। हम तो ऐसे सबसे बात कर लेते हैं भाई साहब। वेरी फनी हां मैडम, कसम से बचपन से कभी घमंड नहीं किया हमने। लुक योरसेल्फ, बोथ ऑफ यू, लुक एट योर शूज। अ मैन हीज बाइज शूज एंड वाइज थिंकिंग। मतलब इंसान की हैसियत उसके चेहरे से नहीं, उसके जूतों से होती है। स्टूपिड। एक्सक्यूज मी मैडम, 250 रुपए फर्स्ट कॉपी, पालिका बाजार। हम सटअप भाई, हम सटअप मतलब भाई कसम से कह रहा हूँ उसको मैं गिर जाऊंगा, दिमाग खराब हो गया। सटअप बोल के गए भाई। भाई ऐसा मत बोल यार, मुझे लगता है कुछ हो गया है। ए शेरवानी, क्या जगह से? हाँ अबे इनविटेशन है बे। क्या है इनविटेशन? अच्छा अंग्रेजी में क्या? क्या अबे किसने दिया? क्यों तेरे से कोई मतलब? अबे हमें मतलब तो है, मतलब हमारी शादी हमारे घर में, तुम दीवाने बने जा रहे हो। ओ भैया घर हमारा है। हाँ हम लोग को इनविटेशन की जरूरत नहीं है। साला घर देख के नहीं लग रहा कि ये तुम लोगों का घर है? ये चीज क्या बोल रहा है साले? यूपी के सलमान है हम, हाथ छोड़ते देन नहीं लगाते। छोड़ दे सलमान। चल छोड़ के दिखा। छोड़ दे सलमान, छोड़ दे। ले
छोड़ दिया। अबे छोड़ा नहीं है, फट गई है। अच्छा ओए, फटी वटी कुछ भी नहीं, तेरे लिए तो हमारा अनिल ही काफी है। आज आज बेटा अनिल। अच्छा अच्छा, जगह दो जगह दो जगह दो। अबे चल ना, तमीज स्टूपिड, दिखाई नहीं देते, फर तली नहीं है। गुरुजी नमस्कार। नहीं नमस्कार से नहीं करना है मुझे। नहीं मैं बिल्कुल ठीक। क्या बात है? अरे वो दादाजी, उनको कहाँ है दादाजी? दादाजी अभी यहीं थे, मैं ढूंढ के लाता हूँ। जरा सा प्लीज, इतनी मेहरबानी करिए, जरा ढूंढिए उनको, है ना। अबे सन्नाटा यहाँ क्या कर रहा है? सन्नाटा, ओए निकम्मो, छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। जितने बम तुम लोगों ने बजाए है ना, उससे ज्यादा मैं बजाने वाला हूँ। देखो अभी ये हम लोग की बैंड बजाने आया है, ये अंदर कहाँ घुसे जा रहा है? दादाजी मेरी प्रार्थना सुन लीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। भैया घबराओ नहीं, बोलो क्या हुआ। अरे ऐसा, आपके जो बच्चे हैं ना, इतनी स्कूल में तबाही कर चुके हैं, मेरा जीना हराम कर दिया उन लोगों ने। स्कूल के अंदर पटाखे ला बजाया है, बच्चों की आंखें फूट गई, किसी का पैर टूट गया, किसी के सर में चोट आई। मैं आपके बच्चों को स्कूल में नहीं रख सकता, आप मुझे माफ कीजिए। तुम्हें मालूम है स्कूल जला के आए हैं तुम्हारे सबूत? हे भगवान, पहले सिर्फ किताबें फाड़ा करते थे, अब स्कूल भी जला दिया। बाबूजी मैं तो कहता हूँ इन सब की खाल खींच कर उसमें भूस भर दो। बाबूजी इज्जत का फलूदा करके रख दिया है इन लोगों ने। अरे चुप रह नालायको। बाबूजी बेकार के नु पढ़ाई के खर्च करवा रहे। मुंह बंद रख। कभी पता किया तुम्हारे बच्चे क्या करते हैं? कभी स्कूल में जाकर खबर ली वो स्कूल जाते भी है कि नहीं? तुम्हें शराब पीने से फुर्सत नहीं है, तुम्हें अपने एम्बेसडर से फुर्सत नहीं है, इसको मिठाई बनाने से फुर्सत नहीं है। मुंह मत खोलना तुम। अरे शर्म नहीं आती तुम लोगों को? हाथ नीचे। नहीं पढ़ना है तो क्यों अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद करते हो? क्यों सांप सूख गया अब? बेवकूफ, मैंने सोचा है इनके बारे में। तुम लोग 1.5 लाख रुपया निकालो, इन बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में डालूंगा। जी मैं कहां से कर पा? अरे बनवारी तू इधर उधर मत झांक, तेरे बच्चे की फीस मैं भर दूंगा। जी मैं अंदर आ सकता हूँ? प्लीज कम इन। चलो आओ। नमस्कार। नमस्कार, आइए प्लीज। मैंने आपके आपके स्कूल की बड़ी प्रशंसा सुनी है। गुड मॉर्निंग बॉयज। और थोड़ा देख भी लिया। मैं चाहता हूँ कि बच्चे यहीं आपकी छत्र छाया में पढ़ें और आपसे कुछ सीखें। पिछले 5 सालों में हमारे स्कूल ने 3 बार CBSE का टॉपर दिया है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन और ये रुतबा हमने सिर्फ अच्छी पढ़ाई से हासिल नहीं किया, बल्कि इसकी असली वजह है अनुशासन, डिसिप्लिन। ये निकलता है कि नहीं? निकल जाएगा। हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि हर बच्चा, हर विद्यार्थी रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करे। नीचे करो इसे, बटन लगाओ। छोटी छोटी गलतियों को हम नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इन गलतियों को आदत नहीं बनने देते। ये बच्चे थोड़े अलग हैं। आप कुछ लेंगे, चाय या कॉफी? जी नहीं धन्यवाद, मैं ठीक हूँ। बेटा तुम लोग कुछ लोगे? नहीं। गुड, हम बच्चों को बड़े प्यार से हैंडल करते हैं। उतारो। और जब किसी वजह से वो प्यार कम पड़ जाए तो हम फाइन भी लगा देते हैं। दिल खुश कर दिया आपने। खाल में चाहे भूसा भर दो लेकिन हड्डी सलामत रहे, चलते फिरते रहे। जाइए नीचे जाके बॉयज, अपनी यूनिफॉर्म ले लीजिए। ओके जी। अबे गधो पांव छुओ। अरे मेरे नहीं उनके। ओके ओके प्लीज रहने दो, रहने दो, गो। अब मुझे विश्वास हो गया है कि मेरे बच्चे सही जगह और सही हाथों में हैं। आप निश्चिंत रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ फंसा दिया यार? बोलता हूँ ना दादाजी, हमें इस जेल जैसे स्कूल में नहीं पढ़ना दादाजी। क्या पढ़ लेंगे आप कह रहे हो? दादाजी प्लीज एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। देखिए
दूर दूर तक स्कूल में कोई नजर नहीं आ रहा है दादाजी। अब छुट्टी होगी तो कैसे नजर आएंगे, घर जाएंगे ना बच्चे। पर दादाजी, दादाजी यहाँ तो बहुत रूल्स और आवाज, डेढ़ डेढ़ लाख भरा है तुम लोगों का, यहीं पढ़ना पड़ेगा समझे। सलमान बोल ना दादाजी, दादाजी दादाजी अरे तो जा ना करके आ जा यार, सुसु की कह रहे दादाजी करके राम रुक। तुम लोग यहाँ पढ़ो ना पढ़ो, मैं तो इसी स्कूल में पढ़ूंगा। साले कितने मतलब हो तुम, कितने स्वार्थी हो, अपने अपने बारे में सोचते हो हैं? साले उसकी सेक्सी मैडम को देख, इतनी देर से तेरा भाई मैडम को देख रहा है। हो गया डिसाइड भाई। क्या तू जूते वाली संभाल, मैं मैडम को संभालता हूँ। अरे वाह मेरे शेर। हट। एक्सक्यूज मी। आई एम सॉरी सॉरी। तुम भाई हो ना? Good morning, boys and girls. You are the torch bearers of tomorrow, the hope for the future. And you are the light and the sun for times to come. और अगर आप चाहें, अगर आप मन लगाएं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपकी डिक्शनरी में नामुमकिन जैसा शब्द नहीं होना चाहिए। Because nothing is impossible. If you want to, you can. If you believe, you can. You can make a difference. You can be the change that you want to see. आपकी सोच, आपकी नियति, आपका दृष्टिकोण और आपका स्वभाव ही बदलाव बन सकता है। और अगर आप बदलाव चाहते हैं तो उसकी शुरुआत आप खुद से करें, उसकी शुरुआत आप खुद बने। जय हिंद। Excuse me, that's my seat. तेरे पापा ने थोड़ी बनाई है सीट, मेरी सीट, मेरी सीट। What the hell, man? I'm not hell. I am Deen Bandhu Sen and don't know about hell. Hell is the place where culprits go to. God, you're psycho. देखो चल ले। मैं psycho नहीं हूँ, psycho तू है। देखो चल ले। Move. नहीं हटा। ओ भाई आइयो देखो जरा। ए निशा कोई नया मुर्गा है क्या? ए क्या मुर्गा मुर्गा कौन सा मुर्गा कैसा मुर्गा? क्या बे क्या बे? अरे छोड़ना यार, क्या बे मैं क्यों दिमाग खराब कर रहा है? अरे चलना जाना, इसको आज बता देता जाना। ठीक है मुर्गा बनाएगा, अंडा खा ले मेरा। नाइस हां, व्हाट यू डिड क्या नाइस, स्ट्रांग एंड ऑल। काम करना, जाना बैठना उधर। बट दिस वन इज माय सीट। तू मत ले, तू तू बैठ इस सीट पर, तेरी सीट है ना, खा जा सीट को। सीट वाली ही इज क्यूट ना। आज से दो दिन पहले मैंने क्लास में बताया था अस्तो मा सद्गमय का मतलब, कोई बताएगा मुझे? आप बताएंगी? सॉरी सर। हां सॉरी सर। आप? सर वो मैं छुट्टी पे थी। ओ छुट्टी पे थी, बड़ी 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 लंबी छुट्टी हो जाएगी। है कोई जो बताएगा? सर मैं बताऊंगा। हां हां बताइए सर। इसका मतलब है माँ तुम हंसते हंसते सो जाओ, मैं ज्योति के घर जा रहा हूँ। और बताओ एक बात सर। सर इस बेचारे का कहने का तात्पर्य ये है कि माँ आप हंसते हंसते सो जाओ, मैं ज्योति घर जा रहा हूँ। आप दोनों का उद्धार हो ना हो, ज्योति और माँ का तो उद्धार हो जाएगा। बाहर आएंगे जरा? हम सर। जी सर हम सर। आइए आइए, ताली बजाओ बच्चों। शुक्रिया सर। शुक्रिया 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 सर। माँ और ज्योति ना
बाहर चल जी सर, यहाँ करो सर, हम सर हाथ ऊपर, और माँ को भी यहीं सुनाओ, ज्योति को भी यहीं देखो, कोई नहीं हंसेगा इनकी मूर्खता पर। क्यों हो गया, कुछ गलत बोल दिया? जात ना पूछो, साधु भाई जितनी आती थी उतनी गई हमने तो। हाँ तो सही, गलत कर दिया खुद कर, इसलिए तो बाहर खड़े हैं। जात कल कल। अच्छे लग रहे हो सर। जात न पूछो साधु की। सर भैया तुम ले आ। सर तो क्या मतलब हुआ इसका? अभी तो बेटा मुर्गी बन के अंडे भी दोगे? बेटी तेरा ऑमलेट, इसका ऑमलेट तो मैं ही बनाऊंगा। यार अगर तू पूजा को इतना ही पसंद करता है तो बोल क्यों नहीं देता? अभी डरता है क्या? देख भाई हाँ। मैं किसी से ना डरता वरता नहीं हूँ, और अगर मेरा माथा फिर गया ना तो उसे अभी जाके बोल दूंगा कि आई लव यू। सॉरी मैंने जान के नहीं किया। हाथ उठाओ स्टूपिड, यू ब्लाइंड डफा ब्लडी विलेजर्स। क्या कर रहे हो, पागल हो, अंधे हो तुम दोनों, देख कर नहीं चल सकते क्या, इडियट्स। अरे यार ये मेरे साथ क्यों होता है यार? तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप और तुम नरम छाया, तेरी मोटे कहां से आया तू? मर्सा व्हाट काइंड ऑफ शायरी, का खाए बोराए जग बाप आए बोराए। एक मिनट, ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं है कि सबको मिला के पानी बना दिया? यस सलमान, दिस मैम इमोशन, दिल का मामला, भाव, भाव समझते हो? भाव भाव मत खाओ मार साहब, डिटेल बताओ प्लीज। अरे साले खान साहब, तुम तो मतलब धतूरा और सोना, खाने और पाने से, समझ रहे हो, आदमी बौरा जाता है। मार साहब देना है पूरा दो सम्मान, मत दो अधूरा ज्ञान, कैन यू एक्सप्लेन विद फुलनेस प्लीज। क्या खा के पैदा हुआ, सुन ए गुड एग्जांपल कनक। One moment. कनक। अरे यार। कनक ते जी आपने बुलाया? कनक। हाँ कनक जी। नहीं 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 नहीं, जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग दिस साले साहब के अलंकार। ओह अलंकार। यस यस। अलंकार तो ऐसे हैं, कनक कनक ते सो गुनी मा दक्ता अधिकाय, या खाए बुराई नर वा पाए बुराई। वा 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 वा। मार साहब आपका तो ना खाए ना पाए, फोकट में बोराए। अबे एक दिन इससे करवा चौथ नहीं करवाए ना तो मेरा नाम बदल देना। ये क्या कर रहा है? कुछ भी तो नहीं, कुछ नहीं। अरे तू ये पूरे घर के जूते साफ कर रहा है, समझ में नहीं आया आज तक तू ना किया। वो एक ज्ञानी ने कहा था कि इंसान की औकात उसके जूतों की चमक से पता चलती है, तो बस इसलिए साफ कर रहा था। अच्छा, और मैंने ये सुना था जब आदमी के सर पर जूते पड़ते हैं तो उससे उसकी औकात का पता चलता है। अब इससे पहले तेरी औकात तुझे पता चले चुपचाप निकल जा यहां से और पढ़ाई कर। पर औकात पता चलती है, ज्ञानी ने कहा है। अरे सर क्या कर रहे हैं आप, प्रार्थना चल रही है, भगवान को छोड़ के मैडम के पास जा रहे हो हैं? आग बंद, चुप रह तू। बड़े आर्ट मॉडर्न मेरे लाल। अरे सर सर सर, अरे सर सर मैंने क्या किया? किसने बनाया है ये मुजस्समा? वीटी वीटी हाँ वीटी वीटी
What is this? More? More? Now you will be no more. Tono more ho gaye bore. इस सोना सर को मैंने इतनी अरे भाई मोर बन के अच्छे लग रहे हो पीकॉक जा रहे नहीं जा रहा यहाँ से बट अरे ये क्या हो गया भैया मोदी नहीं भागा माँ बोले आधी रात माँ बहुत सुंदर लग रहे हो डांस करके दिखा जा पंखो हिला अरे अरे बाबू सल्लू गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग मिस्टर साला सर बाहर आइए खड़े हो जाओ सर ये क्या है इन लोगों ने पंखे को मोर बनाया मैंने पंख लगा के इनको मोर बनाया हाँ। तो फिर आप में और इनमें क्या फर्क है हाँ। जाइए क्लास में ड्रॉप इट दादाजी तुम्हें मेरे पास बड़ी उम्मीद लेकर आए थे कि इन्हें लिखा पढ़ा कर अच्छा इंसान बना दो और तुम लोग आए दिन क्या बनते हो क्या बनाते हो कभी मोर कभी मुर्गा कभी डड्डू व्हाट इज दिस ये लास्ट वार्निंग है अगर दोबारा ऐसा हुआ तो यू विल नॉट बी इन दिस स्कूल एनी मोर ठीक जाओ तो हम भी तो यही चाहते हैं। ये साला सर। साला सर। What are you doing? Where's your class? My class. Yeah. Go to your class. Okay. नमस्ते। अबे वीटी। हाँ। साले स्कूल है या हॉस्पिटल बे? कितना सन्नाटा है बे सन्नाटे को चीरती सनसनी क्या अबे निकल क्या है बम पैरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है बेटी इनकलाब लगा चल लगा 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 साले फिल्मी आ तो एकदम अबे रुक 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 अरे Are you high or something, huh? ये क्या लगा रखे तुमने हाँ? वो नहीं पागल हो क्या बिल्कुल? वो क्या लगा रखे तुमने? वो बम 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 तुमने मुझे बम बोला? नहीं How dare you? नहीं नहीं बदतमीज जाहिल कफाम अगर तुम आज के बाद मेरे सामने आए ना तो नहीं नहीं kill you बम 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 क्या हुआ छेड़ा तेरे को? तुमसे मतलब? अबे साले बम फटा क्यों नहीं? मुझे क्या मालूम पड़ता है फटना तो चाहिए था कैसे छेड़ा बे लड़की को इसका आवाज़ क्यों बना रहे हो सर 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 वो बाल कटिंग है अगर यहाँ पे रहना है ना तो डिसिप्लिन में रहो समझे सर हम सर जी सर डड्डू मैंने कहा डड्डू स्टार्ट अब देख तू मजे ले सर को बताऊं क्या सॉरी सर क्या मैं सीरियसली सर को बता दूंगी मैं बता रही हूं राम सर काम सर देखिए ना सर कब से परेशान कर रही है यस सर तुम लड़का छेड़ रही हो रश्मि सर वो ये फूंक मारा था सर क्या ये मैं नहीं तो कब कहां क्या बोल रही हो तुम क्या 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 हाँ सर वो हवा 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 खराब है क्या हवा अरे हाँ बोलो बोलो क्या क्या कुछ नहीं सर चुप सर मैंने कहा था ना कि यही परेशान कर रही है मुझे ये सर ये सही कह रहे तुम भी बैठ जाओ ओके सर हाँ
था तो काम आए नहीं। बाद में देखूंगी तुम्हें मैं। अच्छा ले फिर। सच्चा मित्र मिलना सौभाग्य की बात है। ऐसा मित्र शिक्षक की भांति होता है, वो हमें सन्मार्ग के रास्ते पर बढ़ाता है। विपत्ति काल में सच्चा मित्र हमेशा साथ होता है, उसका मार्गदर्शन कल्याणकारी सिद्ध होता है। किसी ने कहा है कि अच्छा मित्र एक अच्छी किताब की तरह होता है, उसको हमेशा साथ होता है। वो आपको दूसरे अवरोध से बचाएगा। जोर से दबा। बेताल? अरे क्या बेताल बेताल बोलता है तू? पापा बोला कर। अरे मैं विक्रम, तू बेताल, तो फिर बेताल को कैसे छोड़े विक्रम? तू ये बता ना कि माँ कैसी दिखती थी? बहुत खूबसूरत थी। अरे कौन है वो? अरे कोई नहीं, तू बता से। अरे बता ना किससे इश्क कर डाला तूने? क्या बाप हो आप भी? अरे मैं तेरा बाप हूँ या तू मेरा बाप है? अरे मेरे बाप। हाँ भाई तू बाप है, अब बता दो। नाम बता पहले। छोड़ तो सही तुम। पता ना बड़ी खूबसूरत थी। हाँ भाई बहुत खूबसूरत थी, ऐश्वर्या राय से भी ज्यादा खूबसूरत थी। गुस्सा तो उसकी नाक पर हर समय बैठा रहता था। गुस्सा तो इसके नाक पे भी बैठा रहता। कौन? क्या ये पी 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 पी। इश्क ने तेरे वालिद को निकम्मा बना दिया, वरना हम भी दूध पीते थे कभी दारू की तरह। तुझे सचमुच इश्क हो गया है। चेयर्स। अज्ञानी के दुख हर लीजे, अब विलंब नाथ नहीं कीजे। सर ये विलंब का क्या मतलब होता है? विलंब का मतलब जानने की क्या जरूरत है, साक्षात दर्शन कीजिए। इसको कहते हैं विलंब। कहां से प्रकट हुए? सर प्रकट नहीं, सलमान खान नाम है हमारा सर। बच्चों ताली बजाओ। ये सलमान खान जी हैं, हमारे हिंदी सिनेमा के सबसे महंगे आर्टिस्ट हैं। सलमान खान जी आगे आएंगे, जरा अपने प्रशंसकों को दर्शन दीजिए जरा। सर हम सर आइए आइए। तो खान साहब आ गया हो तो शूटिंग शुरू करें। हाँ सर। हाँ करें ना। तो शॉट देने से पहले एक और मुहावरे का मतलब समझाइए। नीम हकीम खतराए जान, नीम हकीम खतराए जान। जान 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 का मतलब बताओ सर को। हकीम, हकीम सुन रहा बच्चों, तेरे खून का बह जाएगा कतरा कतरा। वाह सर, कतरा कतरा कतरा, तेरे खून का बह जाएगा कतरा कतरा। तू नीम के पेड़ के नीचे मत बैठ, तेरी जान को है खतरा खतरा खतरा। वाह क्या बात है बच्चों, ये क्या लिखा है? मुर्गा बनो। चलो चलो नीम के पेड़ के नीचे हकीम से मिलो। जाओ जाओ चलो तेज जाओ, मुर्गा बनने जा रहे हो। कम ऑन, शाबाश आशीष, शाबाश जय, यू कैन डू इट बेटा, शाबाश शाबाश। वाह बेटा, सीधा गांव से पहियों पे आ गया। बेटा जो टांग ऐसे ऐसे कर रहा है पता है ना, फट सकती है। ओह और गिर गया ना तो ना खाने लायक रहेगा और ना धोने लायक। पहले कुछ सीख ले, पहले दो चार दिन सीख और फिर ये करना, ठीक है बेटा? जा जा। अरे बीच में क्यों खड़े हो, साइड हटो यार, उसको आने दो। हमेशा गुस्से में रहते हो, हमेशा। देखिए मैडम मैं गुस्से में नहीं हूँ। अरे अच्छा छोड़ो ना, ये तो बताओ कल क्या कर रहे हो? मैडम अगर आप आज जाने देंगे तो बताऊंगा ना। देखो सर फिर से आप गुस्से में बोल। अच्छा सुनो तो सही, यहाँ तो देखो हमेशा एक ही चीज याद रखो, सांस लो सांस छोड़ो सांस लो। ओ तेरी तो।
कहीं पीटी कहीं बास्केटबॉल नहीं खेला रहे? मैडम बच्चों को पढ़ाती रहती है और मैं मैडम को पढ़ता रहता हूँ। तेरी भाभी है? अरे नहीं, वो तो व्याकुल जी की है ना यार। एक तो यहाँ दिमाग खराब हो रखा है और इसको इंग्लिश मैडम की पढ़ी हुई है। हाँ क्या बात है? कुछ नहीं सर। कैसे सर? क्लास क्लास नहीं है सर। तो फिर सर सर टहलने आए थे सर। क्यों, बुढ़ापा गया जो टहलने आए थे? अरे सर बुढ़ापा तो नहीं आया पर। चुपचाप रहो वरना घोड़े तोड़ दूंगा। है सर? अरे घुटने तोड़ दूंगा अगर एक मिनट के अंदर बास्केटबॉल कोर्ट नहीं पहुंचे ना, तो फिर देखना। चलो। अरे सुना नहीं, चल चल चल। तो घोड़े तोड़ देना, कामचोर कहीं के। चल चल एक्सरसाइज कर, एक्सरसाइज। 1 2 1 2 1 2 1 2 सर, एक्सक्यूज मी सर, बड़े टेंशन में दिख रहे हो आप। हाँ क्या संग्राम जी, इतना गुस्सा इतना टेंशन क्यों? अरे सर टेंशन नहीं लेते हैं सर, हमेशा जब भी टेंशन हो सांस लो सांस छोड़ो, सांस लो और सांस छोड़ो, और फिर उसके बाद कोई प्रॉब्लम। मार साहब बड़ा बुरा है, मोहब्बत करोगा जाके सिखाइए पीटी, और बेटा तू सिखा योगा। बुल्ले शाह इनका क्या होगा? हा, 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 मेरा क्या होगा माँ? माला माला क्या कर रही हो यहाँ? रुको ठहरो। अरे कहाँ भाग रही हो? लल्ला मरो लल्ला, तुम्हारा सत्यानाश जाए तुम्हारा, तुम्हें हम कंप्लेंट करेंगे। तुम्हें हम क्या कर रहे हो यार? सर सर, इसने हमको धक्का दिया और इसने हमको धक्का किया, इसने हमें पुश किया। चुप। और सर क्यों भागी वहां से? भाग क्यों रही थी? डर गई। दिखाओ दिखाओ। चलो मैंने कहा कुछ नहीं, किताब है सर इसमें। चुपचाप क्लास में जाओ, जाओ। चलो क्लास में आ गए। और हीरो सर नमस्ते। तू क्या कर रहा था यहाँ पे? मैं सर वो इंग्लिश पढ़ने, वो इंग्लिश मैडम थोड़ा। बेटा तेरी शक्ल तो हिंदी पढ़ने की नहीं है, तू इंग्लिश पढ़ने आ रहा था। ला बैग दिखा अपना। मेरे बैग में क्या है सर? वो तो बुक्स किताबें हैं थोड़ी सी, और एक हिंदी की। और ये क्या है? क्या है सर? ये नशे की बोतल है? नहीं सर बोतल नहीं, नहीं सर बोतल नहीं। आज तक तुम्हारी सारी गलतियां बर्दाश्त की सर, ये पर ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा सर। ये मेरा नहीं है सर। बता 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 किसका है? नहीं सर मेरा नहीं है सर। चुप चुप। संग्राम सर मारो मत, क्या हुआ? सर नशा कर रहा था। नशा कर रहा था? नहीं सर मैं नहीं कर रहा था सर। तो कौन कर रहा था? आप जाओ आप जाओ आप जाओ, मैं देख लूंगा मैं देख लूंगा। हाँ ठीक है, चुप चुप। बैग दिखाओ सर। ये तो बैग भी मेरा नहीं है सर। सर ये मेरा बैग नहीं है सर। रोना बंद करो सर, मैंने कुछ भी नहीं किया। चलो तुम जाओ सर, तुम जाओ उधर से नहीं इधर से जाओ सर। जाओ जाओ जाओ। थैंक यू सर। सर सर बैग क्लास में भिजवा देना सर। बेटा कहते हैं कि वंश होता है और बेटी पारस होती है। पारस समझती हो? पारस वो चीज होती है कि जंग लगे लोहे को भी टच कर दो ना तो वो सोना बन जाता है। तो ये बेटी के गुण है, तभी कहते हैं कि बेटी स्वाभिमान होती है, बेटी मान होती है। मम्मी पापा से प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम किसको नहीं होती? इतनी बढ़िया जिंदगी है, अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही? मेरी तरफ देखो, नशा मतलब क्या मिलता है उससे? अभी तुम्हारी उम्र है आगे बढ़ने की, छोड़ दो नशा ना, अपने आप से प्यार करना सीखो ना। हाँ? प्यार करो अपने आप से।
असुर। किसको देख रहा था बता? किसी को नहीं सर, किसी को नहीं। इसको देख रहा था? नहीं सर। इसको देख, हाथ ऊपर कर, अगर हाथ नीचे आया तो थप्पड़ पड़ेगा, अगर हाथ नीचे आया तो थप्पड़ पड़ेगा, शाबाश, अगर हाथ नीचे आया तो बच्चा ग्रेड है, हुआ थोड़ा लेट है। हा, अरे यार, अगर स्कूल में पूजा नहीं होती ना तो स्कूल को बम से उड़ा देता। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, खत्म। अबे साले, इसके लिए तेरे को स्कूल जाने की क्या जरूरत है? आते जाते तू पूजा से मिल लेना, मैं मैडम से मिल लूंगा। अच्छा, और पढ़ाई का क्या होगा बे? दादाजी को क्या जवाब दोगे? बेटा, डेढ़ डेढ़ लाख रुपए भरे दादाजी ने, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। अबे दीने, पढ़ाई होगा रे बे, रॉबर्ट बना रखा है रॉबर्ट। हाँ साले, इधर जाओ ये करो, उधर जाओ वो करो, कभी पेंट सही करो, बटन लगाओ, ये करो वो करो, अत मचा रखी अत। यार मेरे हिसाब से ना तो नीति ये कहती है कि अगर नीति परिनीति क्या कहती है ना, ये हम उन्हीं से पूछ लेंगे। पर अब की बार स्कूल में ऐसा रंग उड़ेगा, ऐसा रंग उड़ेगा कि सब हमारे रंग में रंग जाएंगे। क्यों? यार स्कूल बस से ज्यादा मजा तो इस एसी वाली बस में है। एसी लगाओ यार। एसी का एसी पैसे भी नहीं देने पड़ते। चलो रुक रुक बस, डॉक्टर साहब इधर रुक दो। आजा आजा सलमान निकल। आजा सलमान, तू लड्डू लाया नहीं लाया? हां आया हूं मैं। लेकर आया है ना, संभालना भाई इसको। अबे आगे जा बे, बैठ पर रखे बेटा, बहुत सारे। हां सलमान है भाई, हमेशा रेडी। अरे यार वो बाबा परेशान दिख रहे, आज फिर लेट हो जाएंगे। चलो 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 चलो, मदद करते हैं उनकी। आना है कि नहीं, इसलिए हमेशा लेट आते हैं, केयरलेस। हम तो टाइम पे हैं ना। हाँ। हाय बाबा। हाय। आज के तुम्हें की बनिए छो? आज दीदी तुम्हार जने माछे जोल बनिए छे। तेरी दीदी ना, बेटी नहीं बेटा है मेरा बेटा। हाँ बाबा, आप तो सिर्फ दीदी की तारीफ करेंगे। खाना तो मैं लाई हूँ आपके लिए। अच्छा? हाँ। बहुत बड़ा काम कर दिया तूने। बाबा, I want to tell you one thing. What? आपके वो पांच गवार है ना? Which गवार? वही new admissions. आपको पता है वो क्या कर रहे थे? You won't believe. वो हाईवे पे हाथ गाड़ी वाले के साथ खेल रहे थे. They are not bothered. उनको स्कूल आने की भी टेंशन नहीं होती है. अरे हाथ गाड़ी वाले को ना मिलके धक्का मार रहे थे. बताओ, as they have all the time in the world. हाथ गाड़ी वाले को पीछे से धक्का मार रहे थे ना बेटा? Yes. तो उसे टाइम पास नहीं, उसे हेल्प कहते हैं। बाबा, बाबा, I'm telling you, they are useless. Okay. No, they're shameless. Ah, and also, careless. India is my country. India is my country. All Indians are. All Indians are. My brothers and sisters. My brothers and sisters. I love my country. I love my country. And I'm proud of it. And I'm proud of it. Rich and varied heritage. Rich and varied heritage. I shall always. सर 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 सर, लेट कमर, लेट कमर सर, लेट कमर। ये चश्मा पीछे खड़ा मर गया। पेरेंट्स टीचर्स ऑल एल्डर्स सर, मुझे मैं टाइम से आया हूं सर, मैं नहीं सर। ये क्या स्पेशल है सर, इसने भी तो सफेद जूते पहने हैं सर। सर सर पैर में चोट है इसलिए मैंने काले जूते नहीं पहने। सर 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 सर, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है चलने में सर, समझा करो सर। उसके पैर में सही में चोट लगी है, देख लूंगा तुझे भी, बाद में देखते हैं सर। सर मैंने क्या किया सर? नाउ मेक स्ट्रेट सर्कल प्लीज। क्या बोले? अबे साइड में आ। अच्छा अच्छा अच्छा, स्ट्रेट सर्कल, स्ट्रेट सर्कल।
Now time for dead dudes. That. अच्छा बैठ. One, two, three. चर्चा मेरे ऊपर. ये पांच इतने शैतान और बदतमीज हैं कि कोई भी सजा दो उसमें ही मजा लेते हैं. सजा वजह से कुछ नहीं होगा. 36 बार तो मैं मुर्गा बना चुका हूँ इनको. हर बार एक ही बांग देते हैं कि कुछ तो बात है, हम बदतमीज और बेशर्मों में. क्या खाक बात है सर, ये अपना और अपने घर वालों का टाइम और पैसा दोनों बर्बाद करते हैं. नहीं, तुमने इनका स्टेमिना नहीं देखा, इनकी ताकत नहीं देखी, कुछ करने की भूख नहीं देखी. ये बैल के दूध से खीर बना करके खाने वालों में से हैं. इतने भूखे हैं ये, कुछ भी कर सकते हैं. सही कह रहे हो सर, इनमें भूख है सिर्फ खाना खाने की, और इनमें स्टेमिना है आवारा घूमने का, गलियों में तोड़ फोड़ करने का, और कुछ नहीं सर. एक द्रोणाचार्य की कमी है, एक द्रोणाचार्य नहीं है. मैं तो कालिदास बन गया हूँ, मुझे तो अब वो शाकुंतला फ्री करेगी. तू फ्री है, तू बन इनका द्रोणाचार्य. राह दिखा इनको, सच कह रहा हूँ, राह तेरी होगी. गियर ये लगाएंगे, बहुत आगे जाने वाले हैं ये लोग. चलो मैं निकलता हूँ, मेरी बात का ध्यान रखना. What's up? मुंह ना थोड़ा. तुम मेरे साथ ना awkward feel क्यों करते हो? नहीं करता हूँ. Of course you do. When my come, तुम यूं देखते रहते हो. नहीं देखता हूँ. You don't like me क्या? You don't ना? You really don't. You don't like me ना? You don't ना? Tell me the truth. मैं तुम्हें मतलब लाइक करता हूँ, मतलब वैसे नहीं करता, पर वैसे लाइक करता हूँ. लाइक तो करते हो ना? वैसे नहीं करता, वैसे करता हूँ. As a friend. How can you not like me, man? I'm so cool. मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, वो सामान लौटा दो, वो प्यास बुझा दो. व्याकुल जी, आप यहाँ? मेरा कुछ सामान जी? मतलब माफी चाहूंगा, मेरा कुछ सामान आपके पास पड़ा है. सामान नहीं, सलमान सर. व्हाट मतलब सर? हेलो मैम, स्टैंड हियर. सर क्या हुआ सर? क्या हुआ? नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या हुआ सर? नहीं वो मैं कुछ नहीं, वो मैं बस जानना चाह रहा था कि मैं ये जानना चाह रहा था कि अंग्रेजी और हिंदी एक फ्लैट पे रह सकते हैं? नहीं सर, नहीं रह सकते. सर कहाँ से रह सकते हैं? हिंदी ऐसी, इंग्लिश ऐसी, नहीं रह सकते सर. खान के नीचे बजाऊंगा मैं, समझ रहा? मतलब आजकल के बच्चों को इंग्लिश के साथ साथ थोड़ा थोड़ा लिटिल लिटिल हिंदी भी सीखना चाहिए, आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, ऑलमोस्ट हिंदी सीखना चाहिए अंग्रेजी के साथ, पर अभी तो क्लास चल रहा है. प्लीज चढ़ा है जो दिल पे असर, अब उतर न पाए. मरने का जी करे क्यों, हाँ जिया न जाए. है लाल रंग तो इश्क का, नैनों को लाल ही भाए. जहाँ देखूं लाल 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 ही दिख जाए, लाल ही दिख जाए. है इश्क में इश्क फोबिया क्यों, फिर इश्क फोबिया. इश्क फोबिया क्यों, फिर इश्क फोबिया.
जहाँ तेरे निशान वहाँ मेरे कदम, मर्जी बिना उठ जाते हैं। दिल तो गुड्डा गुड़िया बने छैला छैया, अपनी ही दुनिया बसाते हैं। इश्क तो ये दरिया है, डूब के भी जाना और बच के भी आना है। इश्क में लाखों खूबियां, इश्क फोबिया क्यों फिर इश्क फोबिया, इश्क फोबिया क्यों फिर इश्क फोबिया। किताबें चार पढ़ी, पढ़े सब वेद कुरान, ढाई ना आखर पढ़ पाया। न जाना दर्द कभी, न जाना मर्ज कभी, हमसा ना कोई कर पाया। आखर है आखर है इश्क ढा, से ही माने है। इश्क में लाखों खूबियां, इश्क फोबिया क्यों फिर इश्क फोबिया, इश्क फोबिया क्यों फिर इश्क फोबिया। की बहुत याद आ रही है बेताल, तू मेरे बिना अधूरा हो गया होगा। जितना हमें घर वालों की याद आ रही है ना, उससे कहीं ज्यादा तो घर वाले हमें याद कर रहे होंगे। बाऊजी, अगर अगर उस दिन मैंने आपकी बात मान ली होती तो आज आज राम जेल में नहीं होता, आज राम जेल में नहीं होता। सत्य परेशान होता है बेटा, लेकिन पराजित नहीं। दीवान साहब, आप उस पुलिस वाले पे ज्यादा ही भरोसा कर रहे हो। आज 3 दिन हो गए हैं, पता नहीं अपने बच्चे कहाँ हैं। वो कुछ बताएगा या नहीं? तू गलत सोच रहा है, उसका तो बाप पे बताएगा, समझा? बाप पे जाने की क्या जरूरत है, उसके लिए बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। अगर हमारे बच्चों को कुछ हो गया तो तुम्हारा नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। परेशान हो रहे हैं आप, आपके बच्चे सही सलामत हमारे पास है और सारे ऐशो आराम मिल रहे हैं। कुछ नहीं होगा उन्हें, जान की गारंटी कोई नहीं देता है, मैं दे रहा हूं। आपके बच्चे सही सलामत और जिंदा रहे। 40 40 40 40 43 44 45 46 47 48
अरे भाई पता चला कौन से जुल्म में अंदर आए हैं? अरे बाहर बड़ी अफवाह है, कुछ बड़ा ही करके आए होंगे। चल रहा हूं ना, जगह भी इधर है। तो बहुत जल्दी पता लग जाएगा ऐसे रूम कैसे होता है। अरे क्यों रे भाइयों, ठीक है ना? जा रहे ना। अरे पैर में मोच आ गई है, चलो अंदर चल। ठीक है ठीक है, चलो चलो तुम आओ, चलो तुम भी अंदर, चलो अंदर चलो। यूं आंसू बहाकर बेटे को कमजोर मत बनाओ। बाबूजी बर्दाश्त नहीं होता। देखो बेटा, बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि जब जब औरतों की आंखों से आंसू बहे हैं, मर्दों का खून खोला है, और ये बदलाव की निशानी है। चुप हो जाओ, बस हिम्मत रखो बेटा, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। पापा अब तो पीना मत, अब मैं यहाँ हूँ तो तेरा कौन ध्यान रखेगा? नहीं पीऊंगा, और वैसे भी पी के गिर गया तो अपने कंधे पर लाद कर घर कौन लाएगा? हाँ, तेरा बेताल तो अकेला हो गया। नहीं, तू बेताल नहीं, मेरा पापा ही। मेरे पापा। मां, आप चिंता क्यों कर रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ करेगा, बड़ा होके कुछ बनेगा मेरा बेटा, यही कहती थी ना तुम? अब देख लो क्या कर रहा है। इन्होंने बुरा नहीं किया है, मुझे पूरा विश्वास है इनके साथ भगवान बुरा नहीं होने देगा। हाँ, बुरा नहीं होने देगा। किसी माँ बेटी की इज्जत मत छीनो। माँ के साले रामियों, दिखाओ भाई ने बलात्कार कैसे होता है। अरे पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। अरे अरे आपस में लड़ो, नाटक बाजी नहीं। ये मानता नहीं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अरे साहब ये तो बड़ा शरीफ है, इसको क्या पकड़े हुए हैं? झूठ बोल रहा है, कुछ नहीं किया, छोड़ा मुझे, मार डालूंगा तुझे। ये बच्चे रेपिस्ट हैं, ये समाज के रेपिस्ट हैं, इनको ले जाइए यहाँ से, ये रहने लायक नहीं है, ले जाइए। सर हमने कुछ नहीं किया, खामोश सारे झूठे, खामोश, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, ले जाए इनको, डाल दो अंदर, कुछ नहीं किया, डाल दो अंदर, कुछ नहीं किया हमने, ले जाओ, छोड़ो सर, नहीं जाऊंगा, ये सब इस बुड्ढे का है सर, जल्दी जाओ, ले जाइए, किस बात के लिए लेके जा रहे हो सर? छोड़ो मुझे, ये मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो मुझे, छोड़ो, नहीं जाऊंगा। अरे छोड़, कहाँ लेके जा रहे हो? अरे कहाँ लेके जा रहे हो सर?
सर आप तो मेरी बात सुनिए सर प्लीज सर सर प्लीज एक बार बात सुन लीजिए सर प्लीज स्टूडेंट सर 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 हमारी क्या गलती है यार आपको कहीं पकड़ा तेरी इस जेल को मैं 10 साल से चला रहा हूं और ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा 3 दिन सड़ो यहीं पे दिन में 1 मटका पानी मिलेगा उसी से नहाओ धो या पियो चॉइस इज योर्स ना उस साथ हम वहाँ पढ़ने जाते और ना ही सब कुछ होता वैसे एक कमेंट चढ़ी का आइडिया किसका था बोला तो दीन बंधु ने था मगर आइडिया निशा का था ओ भाई अब दिन ब दिन गांव में पेड़ कटते जा रहे हैं और ये शहर में देखो थैंक यू रामू जी वेलकम होम गाइस दैट्स माय मॉम से हाय Namaste and all that. Namaste, Auntie. Namaste. And that's a hall and that's a kitchen where you get all the yummiest and the tastiest of food. And that's my room, which is the coolest room in the whole entire house. Hindi mein. In short, इसे अपना ही घर. नहीं 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 नहीं. इसे अपना घर बिल्कुल मत समझना हाँ. तुम लोग यहाँ पर 7 दिन के लिए पढ़ने आए हो ना? अच्छी तरह से पढ़ो. लेकिन 7 दिन के बाद यहाँ बिना कुछ तोड़े फोड़े यहाँ से अपने घर के लिए निकल जाना. ठीक है ना? Are you understanding what I'm saying? हिंदी में समझ आया मैंने क्या कहा हाँ हाँ समझ आया अब निशा इनको लेके जाओ गो 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 इतना भी डरने को नहीं कहा कम बाय द वे मॉम दैट्स दीन बंधु तो ये क्या कर रहे तू पांव छू रहा था क्यों परंपरा है कुछ है कुछ है go inside go अंदर जा keep your bags and all quickly come on जा जा अंदर जा it's called आहार संस्कार not आहार manners and all अरे मुझे मत समझाओ manners अंदर जाओ तू माँ you take too much tension now you stress a lot it's just 7 days एक तो मैं 7 दिन के लिए तुम्हारे दोस्तों को रख रही हूँ I don't want any back chat okay control them they look as if they need control अगर कोई नकल करता हुआ पकड़ा गया ना तो उसके घुटने तोड़ दूंगा। तोड़ देंगे सर और बेटा तेरा तो मुंह ही तोड़ दूंगा थैंक यू मैम पेपर सर हमारा पेपर नहीं मिला सर बेटा तुझे कुछ लिखना तो है नहीं तू एक पेपर खराब करेगा चुपचाप शांत रह के अपना एग्जाम देते रहो टाइम बहुत कम है सर मेरे पास पेन नहीं है बेटा तेरे पास है क्या ये बता दे एक बार इधर उधर क्यों देख रहे हो ध्यान से लिखो अपना पेपर बेटा ये कबूतर कबूतर जोड़ा बना रखा है ना ये बाद में बना लेना ये भी तो सर हम हर बात में हम तो क्या करता रहता है सर हम सर अरे सर बहुत कुछ हो रही है एक मिनट सर ये एक मिनट तुझे शर्म नहीं आती है सर सारी निकल गया कुछ बाकी अभी बैठ जा गिव इट नो चल बेटा बहुत हो गया बेटा 1 घंटे में कुछ नहीं होता 1 मिनट में क्या कर लोगे अरे कुछ नहीं कहता तो 1 लाइन में क्या हो जाएगा छोड़ दो चलो बेटा छोड़ दो ला दे सर छोड़ दे तेरी भाई ये सब कुछ अलग अलग देख रहे हैं क्या ये बेटा कुछ तो लो सब्जी लो आप तो खा नहीं रहे बेटा कुछ नहीं, तो आंटी, लो वो थैंक यू ये डालकर खाओगे तो सब कुछ नीला नीला नहीं दिखेगा हाँ आंटी तभी तो मैं सोचूं दही इतनी ब्लू ब्लू का दिखाई दे रही है इट्स ओके माँ माँ इट्स ओके रामू पास्ता देना मैं हैव नाउ अरे दे भाई इसे खा रहे हैं हबशियों की तरह दे जस्ट एंजॉयिंग फूड हैव दिस इज नॉट कॉल्ड एंजॉयिंग फूड ये खाना अच्छा है नाश्ता नहीं हैं पास्ता इंग्लिश है क्या इटालियन तो इटालियन भी तो इंग्लिश ही होता है नाश्ता पास्ता इट्स फनी हां दही डाल के खाए इसमें अच्छा लग रहा है दही पास्ता में दही नहीं डालते नहीं नहीं आंटी डालते हैं
आंटी वो बड़ा अच्छा होता है आंटी, सुबह सुबह उठ के ना बड़ा खुला खुला होता है आंटी, इससे बड़ा अच्छा होता है, खाया करो आप भी। प्लीज आइंदा मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगी, आज के बाद तुम लोग अकेले खाना, मैं अपने कमरे में खाऊंगी बस। अरे नहीं खा लो ना आंटी, आंटी प्लीज। अरे खा लो ना आंटी, ईट ईट। अरे आंटी मम्मी बुरा मान गई यार, अपने घर पे बुरा मानते क्या? चलो कोई खा ले, चलो यार खाओ यार, खा लो ना। अरे चलो सैंडविच हो जाओ। हां बे धीने, मैं जरा राउंड शॉट मार के आ रहा हूं। कहां पर? यहीं ऐसे ही नीचे, थोड़ा नीचे पार्क में। तू आ रहा है? मैं तो पढ़ रहा हूँ यार, तुम भी पढ़ लो ना, कल एग्जाम है, क्यों जा रहे हो अभी? अबे यार जाने, तू आ रहा है? हाँ यार मैं भी पक गया हूँ एकदम यार, चल मैं भी चलता हूँ, चल।, चल। अबे मुझसे भी पूछ ले। हाँ तो आजा, चल ना। अबे यार हद करता है यार, तुम तीनों ही जा रहे हो। 10 मिनट की बात है यार, 10 मिनट लेकिन आ जाओगे ना 10 मिनट में? कहाँ कहाँ पक्का कहाँ भैया, जा रहे हैं पार्टी? ये बोल रहे कि हम लोग फ्रेश होने जा रहे हैं, हवा खोरी, फ्रेश इन द मिडल ऑफ द नाइट। इससे कहा था दही खा ले साले को। वो वाला नहीं, ऐसे ही हवा मस्ती मारने जा रहे हैं। अबे ये साले वीटी को मैं जानता हूँ, वीटी ना ये गया रोशनी घर के नीचे। और ये राम क्यों गया बे? राम का भी है ना, रश्मि ने ऐसे हार्ट टच कर लिया ना, उसके भी सुरसुरी सी हो रही थी अंदर से। अच्छा राम के चाइना का मैं भी हो गया हूं क्या? हां गो गो। तो तेरी इन तीनों की तो है ना, तेरी कोई भी नहीं, तू क्यों जा रहा है? नहीं वो एक्चुअली मुझे इंग्लिश वाली मैडम से मिलना था, इंग्लिश में मुझे बहुत प्रॉब्लम है एक्चुअली। गो आस्क आस्क। इंग्लिश में मुझे मात्रा नहीं आ रही। अरे शी विल हेल्प यू गो। सुन हां हां सुना, तेरे अंगूर कटे, तेरे तो मीठे हैं साले, तू तो ससुराल में मौज कर रहा है, यू नो ससुराल? व्हाट? ही विल एक्सप्लेन, समझा दे बेटा। एक्सप्लेन ना ससुराल से ना, मतलब मम्मी का घर। स्माइल फर्स्ट। मम्मी का घर मतलब मम्मी का घर। शो मी योर डिंपल्स, सो क्यूट, सी माइन बेटर देन योर्स ना। अच्छा नॉट एवरी ससुराल। तेरी मम्मी, तेरी तेरी मम्मी। अरे कहां तक जाओगे यार, बहुत हो गया सैर सपाटा। चलो लल्ला उतरो। अबे यहाँ तक आ गए, अभी वापस कैसे जाएंगे? अबे कौन सा ट्रैक्टर मिलने वाला हमको? वो सब छोड़ यार, कितना अच्छा लग रहा है भाई। अबे नहीं यार, अच्छा तो तब लगेगा जब एक बार आखिरी एग्जाम हो जाए। चल मैं भी कर लेता हूँ। ठीक है भाई, तो मैं भी कर लेता हूँ। जीवन में इससे ज्यादा आनंद कभी नहीं आ सकता। किसी को गिरते देखा मैंने? अबे क्या हुआ? अरे सच कह रहा हूं मैं। अरे वीटी यार कहां जा रहा है यार? कहां जा रहा है यार वीटी? अबे रुक ना, भाग क्यों रहा है, क्या कर रहा है यार? बोल रहा हूं मैं, देखा तुम लोग आओ तो सही एक बार। अबे वीटी यार क्या कर रहा है? देख देख मैंने कहा था ये वीटी कहां जा रहा है यार? वीटी कहां जा रहा है यार? बहुत घूम रहा है, बहुत घूम रहा है। ओ शिट, ये तो लड़की है राम, देख लड़की है ये तो। अनिल अनिल जल्दी आ, इधर इधर कवर कर, इसे कपड़े लगा के। राम राम एक काम कर, बीटी उठा इसे मेरे नीचे से, हां उठा यहां से, हां उठा इसे, आराम से आराम से आराम से, जा जा ऊपर जा के, अनिल गाड़ी देख, ऊपर देख गाड़ी देख, कोई है क्या गाड़ी रोकता यार? एक मिनट, 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 ए
डॉक्टर भाई तुम्हारे मरीज की सीरियस हालत है, तुरंत इसे ड्रामा सेंटर में शिफ्ट कीजिए। सर सर बहुत गंभीर हालत है इनकी, ठीक है सर? प्लीज प्लीज, ठीक है, लड़की की हालत बहुत सीरियस है सर, प्लीज इसे एक बार देख लीजिए। मामला बिगड़ जाएगा, देखो एम्बुलेंस खड़ी हुई है बाहर। अरे यार आप क्या बात कर रहे हैं, जैसे तुमको यहाँ लेकर और आप कह रहे वापस लेके जाइए, कोई बात नहीं है, ड्रामा सेंटर एम्बुलेंस है वहाँ पे, ठीक है समझने की कोशिश करो, कोई बात नहीं, चल लेके जाओ, जल्दी भाई साहब, भाई साहब जल्दी करिए, इमरजेंसी है। क्या हो गया भाई साहब, एक लड़की घायल पड़ी हुई है, इमरजेंसी प्लीज जल्दी करिए। हॉस्पिटल कहाँ जा रहे हो साहब, प्लीज जल्दी आइए, के बात हो गई बताओ तो सही। अरे आराम से, अरे लड़की आगे कहाँ चला है भाई, अरे भाई साहब बाद में करिएगा, प्लीज गाड़ी स्टार्ट करिए, जल्दी करिए प्लीज भाई साहब, चलो चलो जल्दी अंदर बैठो, बंद कर यार, चलो आगे बैठिए। मैडम ये हमको सड़क के किनारे मिली है, इनको काफी जख्म लगा हुआ है। नहीं इन्हें हम नहीं ले सकते, ये पुलिस केस है, आप हमें कानून मत सिखाइए, अब तो कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया। अरे पहले ट्रीटमेंट बाद में पुलिस, आप प्लीज जल्दी डॉक्टर लेके चलिए, चलो 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 जल्दी क्या हुआ? सिटी स्कैन हो गया? हाँ डॉक्टर्स ने आईसीयू में एडमिट कर दिया और कह रहे हैं कि शायद कोमा में जाने के चांस हैं। शिट, क्या बात कर रहा है यार तू? सारी फॉर्मेलिटीज हो गई, खून तो हमने दे दिया यार, अब फॉर्मेलिटीज तो सब पूरी हो चुकी है, पर जब तक उसके पेरेंट्स नहीं आते ना, ये लोग उसे परमानेंटली एडमिट नहीं करेंगे और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार ये तो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, एक्सक्यूज मी उठिए आपको एडमिन बुला रहे हैं। हाँ उठिए, आपको एडमिन बुला रहे हैं, एडमिन के पास जाना है आपको। अभी एडमिन कौन है भाई? प्लीज देखिए शिफ्ट का टाइम चेंज हो रहा है, 8 बज गए हैं, मुझे जाना है, तो आप एडमिन के पास चले जाइए। 9 बजे तो एग्जाम है। अबे यार कैसे भूल गए यार? मैडम हम लोग नहीं मिल सकते मैडम, देखिए हम लोग का साल खराब हो जाएगा मैडम, हम लोग का एग्जाम है मैडम, चल निकल निकल। अरे कहाँ चली है रामला मंडली? हाँ भाई कहाँ मिली तुम्हें लड़की? सर लड़की हम लोग को मिली थी, लेकिन प्लीज हमें जाने दीजिए, अभी हमारा एग्जाम है सर, प्लीज सर जाने दो सर, ऑलरेडी बहुत लेट हो गए सर। झूठ मत बोल बेटा। सर सर झूठ नहीं कह रहे, विद्या माता की कसम कह रहे। कोई नकल नहीं करेगा। What are you doing? बेटा कुछ लिख ले, काम आएगा। तू बड़ा शरीफ बनता है? क्या देख रहा है उधर? सर वो कोई डांस हो रहा है? Do your work. कुछ लिख ले। Now.
अरे रुको 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 रुक रुक, कम से कम आज का दिन तो छोड़ दिया होता, आज तो टाइम पे आ जाते, आ गए खून लगा के। यार कितना नीचे गिरोगे तुम, और क्या करके आए हो? वो पुलिस भी आई हुई है सर। प्लीज सर, हम आपको सब कुछ बाद में बता देंगे सर, प्लीज इस वक्त हमें एग्जाम देने दीजिए सर। ये एग्जाम स्टूडेंट के लिए है, तुम जैसे लफंगों के लिए नहीं। गेट आउट ऑफ माय क्लास। सर आप बात समझ क्यों नहीं रहे सर? सर प्लीज सर, सर सर हम इस हालत में नहीं आते अगर एग्जाम नहीं देना होता तो। सर आज हम लोग सच में कोई बहाना नहीं बना रहे सर, प्लीज सर सच में। कुछ भी हो मैं बिना यूनिफॉर्म के एग्जाम नहीं देने दूंगा। हम लोग प्रिंसिपल सर से परमिशन लेके आते हैं। चल चल जाओ जाओ, आज प्रिंसिपल साहब आए नहीं है। तो सर 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 से पूछ। एक मिनट सर। सर आप जानते हो इन्हें? अच्छी तरीके से जानता हूँ, ये बहुत बदतमीज और नालायक हैं, जो हर रोज लेट आते हैं और फिर बहाना बनाते हैं। सर प्रॉब्लम इनका लेट आना है या विदाउट यूनिफॉर्म आना है। क्या हो रहा है सब? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अरे अरे यूनिफॉर्म क्यों निकाल रहे हो? क्या हो रहा है सर? क्या हो रहा है? अब तो हम सब भी यूनिफॉर्म में नहीं हैं, तो क्या हम भी इनकी तरह एग्जाम नहीं दे सकते? चले बनियान पार्टी, एग्जाम दो, बैठो, चलो चलो। अरे लिसन, कहाँ था बे साले? रात भर निसो तुम्हारे चक्कर में। रात भर कहा थे यार, कहा था तुम्हारा हॉस्पिटल पहुँचना ज्यादा जरूरी है यार, चलो 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 सभी। अरे रास्ते में सब पता चल जाएगा, तुम लोग चलो तो सही। क्या यार क्या बताओगे रास्ते में? तू क्यों खड़ी है, चल ना यार। मैं कैसे आ सकती हूँ, बाबा भी घर पे नहीं है और दीदी कल रात से घर नहीं आई है, मुझे घर जाना ही पड़ेगा। अरे तू हमारे साथ चल, दीदी घर आ जाएगी सब ठीक हो जाएगा, चल ठीक है। सर ये वही लड़के हैं जिन्होंने आपकी बेटी की जान बचाई। कौन है? अरे इधरा, अरे तुम ही हो ना जिसने लड़की को देखा है, इधरा। हवलदार जी साहब, इन लोगों का बयान लिखो और एफआईआर दर्ज करो। कोई एफआईआर नहीं लिखा जाएगा, हमें एफआईआर नहीं लॉज करना। वाह प्रिंसिपल साहब वाह, बहुत क्लियर हैं आप। हमारे साहब जी एक बात बोलते हैं कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग ही अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं। खैर जब आप लोगों का मन बदल जाए ना तो बता दीजिएगा, पुलिस के पास और भी बहुत काम होते हैं। देखो जी सर, देखो तुम ही देखो। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्यों, इससे क्या होगा? क्या वो ठीक हो जाएगी? क्या उसकी इज्जत वापस आ जाएगी? जिंदगी भर तार तार किया जाएगा उसे, तिल तिल के मरेगी वो। ज्योति जो जिंदगी बाद में जिएगी वो जिएगी, लेकिन आप ये बोल करके उसको अभी मार दोगे? क्यों नहीं करते हो एफआईआर? एफआईआर करने से डर रहे? You have disappointed me. पर सर,
वो धरिंदे तो घूमते ही रहेंगे. Who'll stop them? I can't believe it you're doing this, sir. This is not fair. हमें जीतने के लिए लड़ना पड़ेगा सर. हर लड़ाई को लड़ने के लिए, उसे जीतने के लिए संगठन और हौसलों की जरूरत पड़ती है सर. वो है ना सर. सर वो आप ही है ना जो हमें हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की शिक्षा देते हैं. सर आप ही कहते थे ना आई बिलीव आई कैन. आज कहां गया आपका बिलीव सर? सर आप हमारे लिए एक मिसाल रहे हैं. आप ऐसा कैसे कर सकते हैं सर? आपसे उम्मीद नहीं थी सर. कल यहां वो प्रिंसिपल खड़ा था जो अपने प्रिंसिपल्स को लेकर अटूट था, पर आज यहां वो बाप खड़ा है जो अपनी बेबसी को लेकर बस प्रैक्टिकल बात कर रहा है. जाइए जाइए आप सब अपने घर जाइए. सर हम कहीं नहीं जाएंगे. हम सब मिलकर अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे. लड़ो जरूर लड़ो. लड़ना तो तुम्हें है ही, अपने लिए अपनों के लिए. तुम्हारी जिंदगी अब शुरू हुई. रही अन्याय की बात तो अन्याय को किताबों में ही रहने दो ताकि हौसला बढ़ाने के लिए लोग पन्ने पलट सकें. अगर बात ऐसी है तो उन किताबों के पन्ने फाड़ देंगे हम. जिस पर अन्याय लिखा होगा सर. जोशीले मत बनो. जाओ पहले जाकर अपने घर वालों से पूछो. अगर वो आपको गवाही देने की इजाजत देंगे तो मैं एफआईआर लॉन्च कर दूंगा. सिर्फ एक बार जाके पूछो. सर बट सर निशा व्हाट इज हैपनिंग? क्या हुआ? निशा बेबी टेल मी क्या हुआ? हमारे प्रिंसिपल की बेटी के साथ रेप हो गया था और वो हॉस्पिटल में है और हमने उसे बचाया था. क्या हो गया इस समाज को? इतनी गिरावट, इतना पतन. शर्म आती है अपने आप को भारतीय कहते हुए. विश्वास नहीं होता कि इस देश में इतने बड़े बड़े महापुरुषों ने जन्म लिया था. तूने बहुत नए काम किया है बेटा. तुम्हारे पापा ने इस देश के लिए अपनी जान गंवाई. तुम उस परंपरा को जीवित रख रहे हो, मुझे इस पर गर्व है. अगर मैं आपसे कहूं कि मैं उन रेपिस्ट के खिलाफ गवाही देना चाहता हूं तो? बेटा कानून किसी का सगा नहीं होता. तुम अभी बहुत छोटे हो. बचाने वाले को ही गुनहगार समझ लिया जाता है और उसे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है और गुनहगार आराम से घूमते रहते हैं. बाबूजी अगर यही सीख आपने अपने बेटे को दी होती तो शायद आज वो हमारे बीच होते. हर माँ बाप ये चाहते हैं कि उनका बेटा भगत सिंह जैसा हो, पर कोई ये नहीं चाहता कि भगत सिंह उनके घर में पैदा हो. इसे लड़ने दीजिए बाबूजी. दिमाग खराब हो गया तेरा, पागल हो गया तू? हमारी सात पुष्टों से आज तक कोई कोर्ट कचहरी नहीं गया, जाएगा कचहरी. बाबू तू समझ नहीं रहा, तू एक बार मेरी बात तो सुन बाबू. अरे वो लड़की वहां पर कोमा में, बाबू उसे मेरी मदद की जरूरत है. तू करेगा उसकी मदद? बाकी सब मर के मदद करने वाले? तेरे को स्कूल भेजा था पढ़ने के लिए. सारी उम्र गुजर जाती है कोर्ट में गवाही देते देते, केस खत्म नहीं होता. बढ़ाया गवाही देने वाला. ठीक है बाबू तू सही कह रहा. मैं ना उन साले रेपिस्ट का मेरे घर पे आके मेरी बाबू का रेप करने का वेट करता. तू कहीं भी चला जा बाबू, मैं तो गवाही देकर रहूंगा. और मैं कह रहा हूं कि तू भी मानेगा तू भी. सर आपकी बेटी की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है. वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट. थैंक यू साहब. नहीं देखा गया साहब,
साहब बिजिया को देखा आपने साहब? साहब यहाँ पे टाका पड़ा हुआ साहब, गर्दन की हड्डी टूटी हुई साहब, हाथों में पट्टी है साहब, कमर के नीचे तो देखा नहीं गया साहब। साहब मन करता ना कुल्हाड़ी ले जाके ना जाके टुकड़े टुकड़े कर दूं साहब, टुकड़े हो जाता है, कहीं देखा जाए तुम्हारा फूल से पट्टी है, देखो ना साहब उसको नहीं देखा जाता है, कैसे उसके साथ है क्या हमारी फूल सी बच्ची, ऐसा ऐसा लौटा दो, लौटा दो हमारी फूल सी बच्ची, लौटा दो हमारी। दरअसल जिस बच्ची का रेप हुआ है वो मेरी बेटी की दोस्त की बहन है, शी इज लाइक फैमिली टू मी, इसलिए मैं इस केस में सिर्फ प्रोफेशनली ही नहीं पर्सनली भी इन्वॉल्व हूँ। उस बच्ची के साथ जो हुआ है उसे इंसाफ दिलाने के लिए मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। आपके विचार सुनकर अच्छा लगा, बस एक बात का ध्यान रखिएगा, इंसाफ हमें तभी मिलेगा जब हम न टूटेंगे और न बिकेंगे। ये बच्ची मेरी बेटी भी हो सकती थी, आप मुझ पर भरोसा रखिए। एग्जैक्टली प्रिंसिपल साहब, मैं आपका दुख समझता हूँ, ये आपके लिए बहुत मुश्किल घड़ी है, आपको संयम से काम लेना होगा। आपकी बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ है उसे न्याय दिलाने में हम सब आपके साथ हैं, ये बच्चे गवाही देने के लिए तैयार है कोर्ट में। सर सर इसे आप हमारी गुरु दक्षिणा समझिए सर, आप भी इन बच्चों की बातों में आ गए, आप तो देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें FIR दर्ज करानी पड़ेगी। पापा, अब कमजोर नहीं हो सकते पापा, उन लोगों के खिलाफ FIR ना करा के आप उनको सपोर्ट मत करो, उन्होंने मेरी दी के। ठीक है FIR लॉज कीजिए। मैडम प्रोसिक्यूटर प्लीज प्रोसीड विद द केस। मी लॉर्ड, 19 अप्रैल की शाम 7 बजे विक्टिम अपने घर से निकलती है अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए। रात को 11 बजे जब वो लौटती है तो रास्ते में 3 दरिंदे बड़ी सी SUV में उसे किडनैप कर लेते हैं और चलती गाड़ी में उसका गैंग रेप करते हैं। अगर विक्टिम की मेडिकल रिपोर्ट देखी जाए मी लॉर्ड तो रेप शब्द भी बहुत छोटा पड़ता है, उसकी किडनी उसकी बॉडी के बाहर थी और वो आज भी कोमा में है। SP तेजवीर सिंह की इन्वेस्टिगेशन के दौरान बरामद सारे एविडेंस और मेडिकल रिपोर्ट अभी अभी आपको सौंपी गई है मिलोड। मैं आपसे दरखास्त करती हूं कि परमिशन दी जाए कि मैं SP तेजवीर से कुछ सवाल पूछ सकूं। परमिशन ग्रांटेड। SP तेजवीर सिंह, आप अदालत को बताइए कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपको क्या क्या मिला। योर ऑनर, ये वही लड़के हैं जो उस रात विक्टिम को हॉस्पिटल लेके गए और इन्हीं के बयान के मुताबिक हमने उसे लाके की इन्वेस्टिगेशन की। मैं इन बच्चों को लेकर घटना वाली जगह पर पहुंचा जहां पर उन्हें यह लड़की मिली थी। इन्होंने मुझे वो जगह दिखाई जहां पर लड़की को SUV गाड़ी से फेंका गया। उस जगह का मुआयना करने के बाद हमें कुछ खून के निशान मिले जो लड़की के ब्लड सैंपल से मैच कर गए और फिर आसपास के लोगों से जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि एक SUV गाड़ी जारचा रोड पर खराब हुई थी और सारी रात वहां खड़ी रही थी। जब हम वहां पहुंचे तो गाड़ी वहां नहीं थी, मगर हमें हेडलाइट के कुछ टूटे हुए टुकड़े मिले और एक टूटी हुई बोतल भी, जिसने मेरे शक को और पुख्ता कर दिया। फिर हम पूरी टीम के साथ जुगत में लग गए और हमने बड़ी गंग नहर से वो SUV बरामद कर ली जिसे इन लोगों ने घटना के बाद डुबो दिया था।
नंबर प्लेट से गाड़ी के मालिक का पता लगाना मुश्किल नहीं था। फिर 3-4 दबिशों और कुछ लोकल्स से मिली इन्फॉर्मेशन के बाद एक फार्म हाउस से हमारी टीम ने इनको अरेस्ट कर लिया। वैसे काफी तेज भाग लेते हैं ये। यकीनन मेरे काबिल दोस्त कुछ सवाल करना चाहेंगे। आपकी रिपोर्ट बहुत इंप्रेसिव है। एक ही हियरिंग में केस सॉल्व कर दिया आपने। जनाब, ये जिस गाड़ी का जिक्र कर रहे हैं वो गाड़ी 15 दिन पहले चोरी हो गई थी। पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई एफआईआर की ये रही कॉपी। जनाब, मेरी ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट है कि केस को स्टडी करने के लिए मुझे थोड़ा वक्त दिया जाए। मिलॉर्ड, प्रोसिक्यूशन की भी दरखास्त है कि इन तीनों को पुलिस कस्टडी में लेने के बाद ही केस की प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाया जाए। प्रमोद साहब, आपको 3 दिन की मोहलत दी जाती है। तब तक के लड़के पुलिस कस्टडी में रहेंगे। नेक्स्ट हियरिंग 3 दिन के बाद। कोर्ट इज अडजर्न्ड। उन तीनों को फांसी की सजा होगी। वीटी, रोशनी को समझाओ ना, वो सुबह से रो रही है, उसे संभालो ना प्लीज। मैं क्या समझा पाऊँ? नहीं, मैं नहीं समझा पाऊँ। मेरा तो खुद ही दिल बैठा। अरे तुम क्यों रो रही हो? मैं बात करता। दीदी ठीक हो जाएगी। मैं जानता हूँ ना, कुछ नहीं होगा उनको। मैं विद्या माता की कसम, कुछ नहीं। मुझे आंदोलन नहीं चाहिए। एसपी साहब, मीडिया को इस सबसे दूर रखो और जल्द से जल्द इस मामले को रफा दफा करो। बात समझ में आई? आप कुछ करोगे भी या बस ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे? जी, उसी काम पे लगे हुए हैं सर। सुनवाई का वक्त हो गया दादाजी, चलिए। देखो बेटा, मैं ये सब नहीं देख पाऊंगा। क्यों? मुझे यही रहने दो, तुम जाओ, तुम संभाल लो। Are you sure? मैं यहीं कहीं पेड़ के नीचे बैठ जाऊंगा। ठीक है, ठीक है। डोंट वरी, बाहर की सारी सेटिंग तो आप करिए, यहाँ मैं संभाल लूंगा। बच्चे आज छूट जाएंगे।
प्लीज सिट डाउन। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। जनाब, इन तीन दिनों की जांच पड़ताल ने इस केस को पानी की तरह साफ कर दिया है, लेकिन मेरी रिस्पेक्टेड कोलीग इसमें रंग भरकर इसे रंगीन बनाना चाहती हैं। जिस रात यह घटना घटी उस रात ये यहां थे ही नहीं। ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। जनाब, जिस रात की घटना के लिए इन बेगुनाहों पर रेप का आरोप लगाया जा रहा है उस रात ये लोग मुंबई में थे। जनाब, ये रहे इनके होटल के बिल्स, इनके क्रेडिट कार्ड के बिल्स, इनकी फ्लाइट की टिकट्स, और ये रहे मुंबई में सेमिनार अटेंड करने के लिए इनके पासेस। और जनाब, ये रहा मुंबई में अलग अलग जगहों पर एटीएम मशीन से इस्तेमाल करते हुए इनका सीसीटीवी फुटेज। मेरे ख्याल से ये सबूत काफी है जयश्री जी, या फिर कुछ और पेश करूं? मी लॉर्ड, ये सारे सबूत नकली, गलत और फर्जी हैं। मैं मुझे तो लगता है आपकी डिग्री ही फर्जी है। What? You're talking to a gold medalist from a reputed law college? Of course I have a degree. I would appreciate if you would. आपके पास डिग्री है ना? Obviously. तो एक कागज का टुकड़ा जो ये बताता है कि आपने लॉ किया है। आप कोई फर्जी वकील नहीं। बिल्कुल उसी तरह मेरे ये कागज के टुकड़े भी सबूत हैं, फर्जी नहीं है। तो जनाब, मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि विटनेस बॉक्स में उन तीन लड़कों को बुलाया जाए जिन्होंने विक्टिम की जान बचाई। परमिशन है। हाँ, तो आप लोग कोर्ट को अपना अपना नाम बता दीजिए। जी, राम राघवेंद्र प्रताप चौधरी। अनिल गिरीश शर्मा। बेटी, पूरा नाम बताइए। विक्रम त्यागी। अपने अपने गांव के नाम बताइए। जी, अरमोला। ललित नगर। रामपुर। जनाब, जहां तक मैं जानता हूं ये तीनों गांव इंसिडेंट साइट से तकरीबन 25 और 30 किलोमीटर की दूरी पर हैं। तो आप लोग रात को 1 और 1.5 बजे के बीच अपने अपने गांव से 30 किलोमीटर दूर विक्टिम को बचाने आए थे। जी नहीं सर, हम लोग शहर में रहकर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे। लेकिन इतनी रात गए वहां कर क्या रहे थे आप? रोड पे एग्जाम्स की तैयारी? जी, हम टहलने निकले थे। आप कह रहे हैं एग्जाम्स देने आए थे, आप कह रहे हैं टहलने निकले थे, आपको कुछ और कहना है? सर, वो मैं बताती हूँ। मैं इनसे पूछ रहा हूँ जनाब, बताइए। सर, वो हम निशा के घर पर रहकर कंबाइंड स्टडीज कर रहे थे। अब ये निशा कौन? सर, वो निशा मैम की। निशा मेरी बेटी है। ये तीन बच्चे मेरे घर में रहकर मेरी बेटी निशा के साथ ग्रुप स्टडी कर रहे थे। ग्रुप स्टडी कोई गुनाह नहीं, लेकिन गैंग रेप बहुत बड़ा गुनाह है। जनाब, इन लड़कों को पिछले 6 महीने में प्रिंसिपल साहब 3 बार सजा दे चुके हैं। कहीं यही तो वजह नहीं कि प्रिंसिपल साहब से बदला लेने के लिए पहले उनकी बेटी के साथ ये घिनौनी हरकत की और फिर तीनों ने मिलकर। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। और जनाब, जो भी एविडेंस मैंने ऑनरेबल कोर्ट के सामने प्रेजेंट किए हैं वो सभी एसपी तेजवीर सिंह ने ही कलेक्ट किए। ये सारे एविडेंस सरासर फैब्रिकेटेड है मिलॉर्ड। ये डिफेंस का एक नया हथकंडा है गुनहगारों को बेगुनाह साबित करने। आपके पास और कुछ बचा नहीं है कहने के लिए। जनाब, मेरी ऑनरेबल कोर्ट से हम्बल रिक्वेस्ट है इन तीनों को अगले 8 दिन के लिए पुलिस रिमांड में भेजा जाए और इस केस की नए सिरे से तफ्तीश की जाए। कुछ फैसला सुनाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आपको जो कुछ कहना है कटघरे में आके कहिए। एक मिनट। क्या देख रहे हैं? देख रहा हूं इस 3x3 के कटघरे में आके आदमी की सोच कैसे बदल जाती है। साला सोचता कुछ और है, बोलता कुछ और है, और बदल कब जाता है पता ही नहीं चलता। क्यों एसपी साहब, ठीक कह रहा हूं ना मैं? आप जो कहने आए हैं वो कहिए, यहां खड़े होकर कॉमेडी मत कीजिए। कॉमेडी नहीं कर रहा हूं, मेरे बेटे की जगह जब तुम्हारा बेटा खड़ा होगा तब पता चलेगा। जस साहब, मैंने ना इन लोगों को समझाया था कि किसी के फटे में टांग नहीं डालते, अपनी टांग फंस जाती है। अब फंस गई। हम आम लोग
समझौतों के साथ जिंदगी गुजार देते हैं पर बदलाव नहीं चाहते। पर ये बात ये बच्चे नहीं समझे, कहने लगे कि हम युवा हैं, हम रिस्क लेंगे, बदलाव लाएंगे हम। पर इन्हें ये नहीं पता कि ये यहां जिस इमारत में बदलाव लाने की बात सोच रहे हैं वो 100 साल पुरानी है। ये इस इमारत में कुछ बदलाव हुआ नहीं, यहां बोले जाने वाली भाषा भी 100 साल पुरानी है, उस भाषा में कोई बदलाव हुआ नहीं, यहां होने वाले फैसलों के पीछे की सोच भी 100 साल पुरानी है, उसमें कोई बदलाव हुआ घंटा भी नहीं हुआ। कोर्ट की मर्यादा को ध्यान में रखिए आप। समझ आऊंगा जैसा, बच्चों की हालत नहीं देखी जा रही। क्या है ना कि इतने दिनों से बदलाव बदलाव सुन रहा था इनके मुंह से तो, और क्रांति क्रांति खेल रहे थे सब, हो गया मेरे को बस थोड़ा सा। ये बदलाव लाए हम लोगों की जिंदगी में। पहले इन्हें देख के जी रहे थे, अब घुट घुट के मर रहे हैं। मुझे गर्व है उन माँ बाप पे जिनके पास सच को झूठ बनाने के संसाधन है, और शर्म आती है मुझे खुद पर कि मेरे पास इतने भी साधन मौजूद नहीं है कि मैं सच को सच साबित कर सकूं, इन लोगों को बचा सकूं मैं। जसाब आप सही कह रहे हैं, मैं इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए और जरूर मिलनी चाहिए, नहीं तो कल को कोई भी आम आदमी आकर इंसाफ मांगने के लिए खड़ा हो जाएगा यहाँ पर। इंसाफ तो सिर्फ ये सेटिंग वाले लोगों के लिए, आम आदमी के लिए नहीं है। फांसी पे चढ़ा दो फांसी पे इनको। स्पीच तो बहुत मोटिवेशनल थी जनाब, लेकिन अदालत इमोशन नहीं, एविडेंस मांगती है। जयश्री आप कुछ कहना चाहते हैं? नो मी लॉर्ड। ये अदालत इन तीनों लड़कों को 8 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश देती है। थैंक यू जनाब। अगली सुनवाई 8 दिन के बाद होगी। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। सर हमने कुछ नहीं किया सर, हमने कुछ नहीं किया सर, सब प्लीज सर, सर जिनको आप निर्दोष साबित कर रही थी उन्हें आज रिमांड पे भेज दिया गया। It's not working, Baba. Yatra Naryastu Pujante Ramante Tatra Devata Yatra Naryastu Pujante Ramante Tatra Devata। हम हर वर्ष 15 अगस्त 26 जनवरी को ये कसम खाते हैं कि अपने भारत अन्याय और भ्रष्टाचार से मुक्त कराएंगे। संकल्प लेते हैं और घर चले, घर जाके संकल्प को तकिए के नीचे रख के सो जाते हैं। अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग हम उठ के काम पे चले जाते हैं, संकल्प वही पड़ा होता है तकिए के नीचे।
इंतजार कर रहा होता है कि कब अगला 26 जनवरी और 15 अगस्त आएगा, लेकिन आज कोई 15 अगस्त या 26 जनवरी नहीं है। फिर भी आज हम एक और संकल्प लेते हैं कि जब तक हम पीड़िता को न्याय नहीं दिलाएंगे, हम ये आंदोलन बंद नहीं करेंगे। मेरी माँ की तरफ आंख उठाई, सर फोड़ दूं मैं तो कसम, मेरी बहन पे जो नजरें गड़ाई, मुंह नोच लूं मैं तो कसम। कब तक चुप रहेंगे रे प्यारे, क्या हम में नहीं हदम। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। बलात्कारी तू है बीमारी, तुझको मिटाना हाँ है हमारी जिम्मेदारी। ये जो है नारी नहीं बेचारी, इसे रची है इसमें बसी है दुनिया ये सारी। क्या अंधे हैं हम, क्या पहले हैं हम, क्या हम में नहीं है दम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सदमे में मर चली हूँ, आंगन की कली हूँ, बुझी सी में गई हूँ। सोने की चिड़िया उड़ने से डरती हूँ, अंधियारी गलियों में लुटने से डरती हूँ। क्यों पिंजरे में रहूँ मैं यूँ डरी डरी, कहते हो मुझे आसमान की परी। बसों में ढीलते हो तो पटा खींचते हो, गली में रोकते हो एसिड फेंकते हो, रूह को जला के पेड़ों पे टांगते हो, पादों की बेशर्मी से नंगा करते हो। सर फोड़ दूं मैं तो कसम, मेरी बहन पे जो नजरें गड़ाई, मुंह नोच लूं मैं तो कसम। कब तक चुप रहेंगे रे प्यारे, क्या हम में नहीं हदम। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। बाबा खबर खे न अमर खीते नहीं खाबो ना। क्या हुआ ये दादाजी? बाबा खाना नहीं खा रहे हैं। बाबूजी बेटा खाना क्यों नहीं खा रहे हो? मन नहीं, भूख नहीं। देखो जब मैंने कारगिल में अपना इकलौता बेटा खोया तब मैं 55 साल का था। लगा जैसे मेरी दुनिया ही उजड़ गई, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करके वो दर्द कम हो गया।
देखो अब इकलौता बेटा खोकर भी आज भी जिंदा हूं, तुम्हारी भी तो जिम्मेदारियां हैं। अगर तुम इस तरह से हिम्मत हारोगे तो इन बच्चों को कौन देखेगा? सर, इन्हें फौरन यहां से निकालिए। जी सर। और इनका हुलिया बदल के इनकी फैमिली से मिलवाइए। सर, कल सुनवाई है, अगर इन्हें कुछ हो गया तो। सर, सीनियर ऑफिसर हैं आप, अपनी जिम्मेदारी समझिए। जी सर। संतोष, तीनों लड़कों को निकालो। अगर मैंने ने कंबाइंड स्टडी का आइडिया ना दिया होता, आज इनकी हालत नहीं होती। I'm so sorry. सर, वी ऑल लैंडेड सेफली। आपका सामान सही सलामत आ चुका है। सर, आगे क्या आदेश है? सामान सही समय पे पहुंच जाना चाहिए। सर, यू डोंट वरी, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। मैं संभाल लूंगा सर। ये काम बहुत सफाई से होना चाहिए, समझ रहे हो? जी सर, आप बिल्कुल चिंता ना करें। ओके सर। ओके। पृथ्वी सिंह, तू मुझे एक घंटे के बाद कोर्ट में। काम हो गया सर। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। जनाब, मैं इस केस की अहम कड़ी एसपी तेजवीर सिंह को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहता हूं। परमिशन ग्रांटेड। तेजवीर साहब, बताइए 8 दिनों की जुडिशियल कस्टडी में आपने क्या पाया? जज साहब, पिछली सुनवाई में जो कुछ भी कहा गया सब गलत था। पहली बार जिसे अपराधी साबित किया जा रहा था वही असली अपराधी है। ये तीनों बच्चे निर्दोष हैं। रही प्रमोद मित्तल साहब के सबूतों की बात, तो मैंने उनकी जांच कर ली है, वो सब खारिज है। ये रही उनकी रिपोर्ट। ये कैसी बातें कर रहे हैं? अपनी बात से पलट रहे हैं आप? बहुत बोलते हैं आप। जज साहब, अक्सर लोग पैसों से इंसाफ खरीद लेते हैं। मैंने भी कुछ ऐसा ही किया है। मैंने भी खरीदा है इंसाफ दीवान साहब के पैसों से। पहली सुनवाई के बाद मैंने एक अमीर बाप के सामने कानून को बौना और बेबस पाया, साथ में एक बाप का प्यार भी देखा जो अपने अपराधी बेटों को किसी भी कीमत पर बचाना चाहता था, और मैंने उसका साथ दिया। और उसी दिन मैंने स्पेशल फोर्स के साथ उसके बच्चों को थाईलैंड भिजवा दिया जहां वो बिल्कुल सुरक्षित थे। मैं जानता हूं मैंने जो किया वो कानून के खिलाफ किया, और इसके आगे जो मैं कहना चाहता हूं वो मैं इस वर्दी में नहीं कह सकता, इसलिए ये रहा मेरा इस्तीफा।
जनाब, ये कानून का कैसा मजाक बनाया जा रहा है? मजाक तो समाज का बनाया जा रहा है, जहां एक रेपिस्ट ना तो 3 साल की बच्ची देखता है ना 80 साल की दादी माँ। क्या है ये बीमारी, और क्या है इस बीमारी का इलाज? कुछ नहीं। मैंने ढूंढा एक इलाज। पृथ्वी सिंह जी जनाब, उन्हें अंदर लाओ। दीवान साहब, मैंने आपसे एक वादा किया था कि आपके बच्चों को मरने नहीं दूंगा। मैंने अपना वादा निभाया है। आपसे मैंने 4 करोड़ रुपए लिए थे, मेडिकल बिल और थाईलैंड आना जाना मिलाकर 3 करोड़ 75 लाख रुपए हुए। थाईलैंड के बहुत बड़े अस्पताल में जेंडर चेंज कराया है इनका। अठारह महीनों में पूरी लड़की हो जाएगी। रहे बाकी के 25 लाख, आप तक पहुंच जाएंगे। जज साहब, मैंने गोली मार देता फिर क्या होता? ये मर जाते फिर? मुझे इनकी आंखों में तड़प देखनी थी जो कोमा में पड़ी उस लड़की की है, जो उसके बेबस बाप की है, जो इंसाफ मांगते उन 5 बच्चों की है, और जो इनके पीछे खड़े 1000 लोगों की है। मेरा फैसला सुनने के बाद आप मुझे जो सजा देना चाहे दे सकते हैं। मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। पहली बार मैंने अपने आप को बेचा ताकि मैं इंसाफ खरीद सकूं। एसपी साहब के सबूतों से साफ जाहिर है कि ये 3 बच्चे राम प्रताप सिंह, विक्रम त्यागी और अनिल शर्मा बेगुनाह और बेकसूर हैं। अदालत इन्हें बाइज्जत बरी करती है। ऑर्डर, ऑर्डर। जिस बीमारी का जिक्र एसपी साहब ने किया है उससे मुझे भी बहुत तकलीफ होती है। दुखी हूं मैं। इस बीमारी का इलाज होना ही चाहिए, क्योंकि पूरा देश हमसे इलाज मांग रहा है, और जो सजा एसपी साहब ने इन्हें दी है उससे मैं भी मुत्तफिक हूं। इसके अवज इस देश का कानून जो भी सजा मुझे देना चाहे मुझे कबूल है। ये लड़ाई तो जीत ली है, पर युद्ध अभी बाकी है। ये युद्ध हमें अपनी मां, बहन और बेटी के लिए लड़ना है, और जीत भी तब मिलेगी जब भारत की हर बेटी भारत के हर कोने में हर वक्त अपने को सुरक्षित महसूस करेगी। मुश्किल नहीं है जीत, सिर्फ सोच और नजरिया बदलो। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते र...
रमन्ते तत्र देवता। मेरी माँ की तरफ आंख उठाई, सर फोड़ दूँ मैं तो मकसम, मेरी बहन पे जो नजरें गड़ाई, मुँह नोच लूँ मैं तो मकसम। कब तक चुप रहेंगे रे प्यारे, क्या हम में नहीं है दम। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। बलात्कारी तू है बीमारी, तुझको मिटाना हाँ है हमारी जिम्मेदारी। ये जो है नारी नहीं बेचारी, इसे रची है इसमें बसी है दुनिया ये सारी। क्या अंधे हैं हम क्या?